था कि गुरुजी महाराज के वहाँ जाओ और वहाँ पर ना ठीक हो जाते हैं। ये उसी विश्वास से आए थे। जब ये यहाँ आए तो वाकई में ये कृष्ण जी यहाँ बैठे और ये अपना यहाँ बैठी हुई है दोनों, तो सामने बैठ गए तो इनको कुछ नजर नहीं आता था क्योंकि ये पकड़ के लाए थे। उसके बाद में जब ये यहाँ सामने बैठ गए, ऐसे मैं गुरु महाराज के लिए बातें बताती रही, सत्संग सुनाती रही इन लोगों को, तो बैठे बैठे इंदु आंटी ने बोला इनको कि भाई आपको सामने कुछ दिख रहा है? तो कहते नहीं। मैं कहा कोई नहीं गुरु जी, महाराज मेहर करेंगे। और फिर इन्होंने बोला थोड़ी देर के बाद में कि आपको कुछ दिख रहा है? तो उस टाइम में मुझे वो बात याद है, तो हल्की हल्की सी इनको थोड़ी सी रोशनी उस टाइम पे गुरु महाराज ने दी थी और इन्होंने बताया कि व्हाइट चोले में कोई बैठा है हल्का सा। फिर कहते हैं, फिर इन्होंने कहा और कुछ? कहते और कुछ नहीं दिखा। फिर उसके बाद में इन्होंने बताया कि थोड़ा सा सोफा दिख रहा। तो उस टाइम पे मुझे लग गया था कि गुरु महाराज के ये चरणों में आए हैं और 10 मिनट ही यहाँ बैठे हुए हैं तो इनकी आंखें वापस आएंगी और जरूर गुरु महाराज मेहर करेंगे, ब्लेस करेंगे इनकी आंखें। तो मैं इसको इंदु को बस यही हौसला देती हूँ। मैं कहा इंदु तूने गुरु जी महाराज का पल्ला नहीं छोड़ना, पकड़ लिया ना तो गुरु जी महाराज को कहती रहे और एक दिन अंकल की आंखें वापिस जरूर आएंगी, क्योंकि गुरु जी महाराज की अरदास इतनी बड़ी है कि कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि गुरु जी महाराज की लीला है कि पलक झपते ही कुछ भी हो सकता है। क्या इन्होंने एक मिनट नहीं एक सेकंड लगाना होता है। तो हमारे गुरु महाराज ने 4 महीने के बाद में इन अंकल की आंखें वापस दी है और अब ये सारा पूरा वृतांत ये सुनाएगी इंदु आंटी अपने मुंह से, क्योंकि गुरु जी महाराज की बड़ाइयां ये अपने मुंह से करेंगी तो और भी ज्यादा अच्छी बात है कि क्या क्या इनके साथ घटित हुआ है क्या नहीं। तो जय गुरु जी, इंदु आंटी बताओ। जय गुरु जी, सबको शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे को 4 महीने पहले ही मैं बहुत ज्यादा टूटी हुई थी ना, मेरे को कुछ कोई नहीं कह सकता था मैं रहूंगी क्या नहीं रहूंगी, मेरा मन बहुत टूट चुका था। तो मैंने गुरु जी को देखा नहीं, कभी सुना भी नहीं था, तो मैं चुप हो गई। मेरे को सारे कहते तू एक बार जाके देख, तो वो यहाँ पे आए हुए हैं किरण दीदी, तो इसकी जो मामी जी हैं उन्होंने मेरे को कहा। अच्छा, उधर से रतिया में जो है इनके मम्मी जी हैं किरण दीदी के, उन्होंने कहा तुम चले जाओ वहाँ पे तो ठीक हो जाते हैं, भी आप लोटा ले जाओ ब्लैक करवा लेना, जब आपकी बारी आएगी ना तब आपको लोटा मिलेगा। तो मैं नहीं मानी, 3 दिन 4 दिन मेरा मन नहीं मानना। फिर मेरा बेटा भी पहले गिरा हुआ था, उसको प्लास्टर लगा हुआ था और उसके फट की हड्डी टूट गई थी, तो उसके कारण मैं टेंशन में थी। और इसके पापा के भी जैसे हो गया, इनकी भी आंखें चली गई, मैं दोनों की रोती रोती मैं बस वो हो गई। फिर इसके ये ठीक होने लग गया मेरा काकू, मैंने कहा चलो ठीक हो रहा है अब क्या करना है जाके गुरु जी के पास। मेरे मन में यही था, मैंने माना नहीं गुरु जी को। फिर मेरा दोबारा बेटा दोबारा गिर गया वहीं पे, रोटी खा के ना बस उठा है ना कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे बस ऐसे हो गया, हड्डी टूट गई। तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में आई, हॉस्पिटल में पूछते करते फिर वहां पे किरण दीदी ने बार बार फोन किया, यहाँ है वहां है ये चली जा। मैंने कहा देखती हूँ, मैंने उठा भी ले आई। फिर उसके बाद हॉस्पिटल में भी मेरे पास एक लेडीज आई, कहती तू वहां पे चली जा, तो वहां पे मैं गई। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाती, मेरा मन नहीं मानता, मैं कहीं नहीं जाती, मेरा मन बहुत टूट चुका है। 11 साल हो गए मेरी शादी को, मैंने एक दिन का कभी सुखा दिन नहीं देखा। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ सारा दिन ऐसे सोचती हूँ ना मेरे जैसा कोई है ही नहीं। मैं अब भी यही कहती हूँ गुरुजी बस मेरे साथ रहो, बहुत शुक्र गुजार हूँ गुरुजी का, कितना करूँ शुक्र उतना ही कम गुरुजी से। तो फिर गुरुजी ने मेरे को कहा भी बैठे यहाँ पे, हिना दीदी के पास आई, हिना दीदी ना मिले मेरे को, मैं इतना रोई मेरा मन टूटा। इनको इनको भी साथ लेके आई गाड़ी में, ये ना आए ना काकू आया ना ये आए। मैं कहूँ हाय गुरुजी मैं क्या करूँ, मैं अकेले क्या करूंगी। फिर उसके बाद मेरे को दीदी ना मिले, भैया खड़े थे कुणाल भैया, तो उन्होंने कहा आप ऐसे करना 2 दिन बाद आ जाना, आपके मतलब लोटा ब्लैक करके दे देंगे। तो मैं घर गई, मेरा मन नहीं माना, इतना रोती रही इतना रोती रही। फिर घर जाके फिर उसके बाद मैंने यहाँ हमारे वो बैठे मोनिका आंटी बहुत है, उन्होंने भी मेरे को पहले बहुत टाइम हो गया कह रहे थे, 4 महीने पहले कहा था, मैं मानी नहीं मोनिका आंटी। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं ना वहां गई थी फतेहाबाद, उधर जहाँ आप कह रहे थे ना गुरुजी के बारे में वहां गई थी। तो वो कहते अच्छा आए तो फिर मेरे को नहीं लेके गई। मैं उसको फिर मैंने कहा चल मेरे को ना 2 दिन बाद बुलाया चल पढ़ना। फिर मैं उसको भी साथ लेके आई। फिर मेरे को गुरुजी को देख के ही ना इतना रोई, इतना रोई, जहां मैं यार रो के गई हूँ ना
अब गुरुजी ने मेरे को घर जाके एक आंसू भी नहीं गिरने दिया, मेरे को इतनी हिम्मत दी, इतनी ब्लेसिंग मिली घर जाके, मेरे को लगा मेरे को चमत्कार दिखेगा, नहीं दिखता, मेरे को नहीं दिखता। मैंने कभी आज तक नहीं, कभी कोई संत नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, 11 साल मैं यही देखती रही हूँ। बहुत बीमारियों से भुगती हूँ, बहुत ज्यादा रो 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 के मैं इतना शुक्राना करती रही। कल जैसे मेरे साथ हुआ ना, बस कोई देखते जैसे टीवी जैसे चमत्कार हुआ, मैं तो देख के बहुत रो 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 के आंसू ही गिरते रहे ना। मैं दीदी को फोन करूं, दीदी फोन ना उठाए, मैं कहूं हाय दीदी फोन नहीं उठा रही, पहली खुशखबरी मैंने इधर सुनानी है, खुशखबरी इधर सुनानी है। तो फिर मैंने कुणाल भैया को फोन किया, कुणाल कहा मैं अभी बात करवाता हूँ, फिर उन्होंने सुना, फिर इधर ना बात की मेरे से, बहुत मन हुआ। अभी तक भी सारी रात नहीं सोई मैं, सारी रात इतना होती रही, इतना मैंने कहा गुरुजी मेरे घर आए, इतना एकदम चमत्कार दिखा के, बहुत चमत्कार हुआ एकदम से, एकदम देखने लग गए बिल्कुल ही। रोशनी यानी कि वापिस आ गई, ये कल गुरुजी की पता नहीं क्या लीला गुरुजी महाराज ने रची है। कोई आई थी शाम को 5 बजे का टाइम था, 5 बजे का टाइम, मेरी माई पूजन भंडार के नाम से शॉप है, घर में ही खोल रखी है मैंने। काफी अच्छा काम नहीं था मेरा, गुरुजी ने काम चला रखा था, उसी से ही गुजारा कर रही थी। मेरा कोई नहीं था, कोई परिवार नहीं आया, ना मेरी जेठ भी है, कोई भी था ना, कोई भी नहीं, किसी ने हाथ भी नहीं फेरा, क्या है अभी बेटा ठीक हो जाए, अभी इसका है कोई मतलब नहीं है। मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे भैया थे, मेरे भैया भी छोटी उम्र में कैंसर हो गया था, वो चले गए थे, अभी 3-4 साल हुए हैं, कोई भी नहीं है। तो वे पापा भी थोड़ा बहुत रेड़ी लगाते हैं सब्जी की, उसी से थोड़ा सब गुजारा मेरे साथ करवा रहे थे। तो फिर मैंने जब से गुरुजी का पल्ला पकड़ा ना, फिर गुरुजी ने मेरे को काफी अच्छी हिम्मत दी। तो फिर मेरे पास कल आई कोई लेडीज, 5 बजे तक ना मैं गुरुजी को याद करती रही। परसों रात को मेरा इतना मन रोया गुरुजी के पास, मैंने इनको कहा आप ना उड़ते नहीं हो, सुबह सुबह ना अमृत वेले ना जोत जगाएंगे आप, वो करेंगे सारा कुछ। सुबह सुबह 4 बजे उठे हम अपने आप ही, तो उठे ये कहते खड़ी हो जा किरण भाई, अपने ना जोत जलानी है, खड़ी हो जा गुरुजी आएंगे आज। तो जोत जलाई, जोत इतनी थी होती है मेरी घर, इतनी जोत हो गई थी, गुरुजी इतने अच्छे दर्शन देके गए, गुरुजी बहुत अच्छे दर्शन दिए बहुत ज्यादा। तो गुरुजी ने मेरे को दिखाया आज कुछ न कुछ मेरे साथ होएगा, कुछ न कुछ होएगा। सारा दिन बीत गया, मैं रोती रही, मन नहीं था मेरा बिल्कुल भी, ना मैंने रोटी खाई ना कुछ किया, कल सारा दिन ऐसे होती रही। फिर शाम को 5 बजे मैंने गुरुजी को याद किया, मैंने कहा गुरुजी क्या करूं, मेरे पास कोई गाहक भी नहीं आया, कोई कुछ नहीं है, तो आप कोई चमत्कार भी दिखा रही हो मेरे को, नए साल से पहले कोई खबरी सुना दो। तो फिर एकदम से छटके से आई कोई लेडीज मेरे पास, तो वो कहते हैं मैंने ना किसी लेडीज को ना लड्डू गोपाल देने हैं, आपके पास मिल जाएंगे? मैंने कहा हाँ जी आ जाओ। तो कहती दे दो, मैंने कहा, कहते कैसे लगाओगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको सही रेट लगा दूंगी, मेरे को जैसे लैस मिलते मैं आपको 10% लैस दे दूंगी। वो खुश होगी मेरे से, मेरे को कहती चलो आप ना दे दो, सारा सामान भी दे दो, लड्डू गोपाल भी दे दो। वो ले रही थी, लड्डू गोपाल भी ले लिए, सामान भी ले लिया, उसको ना उबासी आने लग गई। मैंने कहा क्या हो गया आपको? तो कहती भी मेरे को ना उबासी आ रही है, उसके साथ गुड़िया भी थी और लेडीज भी थी जिसको दिलवाना था। कहती बेटा जल्दी करो, अपने घर चलना है, मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा, उबासी आ रही है, मेरा जाना मुश्किल। मैंने कहा आपका नहीं है कि भी होती आपको जैसे किसी के आते हाथ माता? कहती नहीं मेरे को ना माता आती है। मैंने कहा मैं गुरुजी को देखती रही, गुरुजी की फोटो वहीं पे रखी हुई है मैंने शॉप पे, वहीं पे यहाँ पे गुरुजी बैठे हैं, यहाँ पे मतलब काउंटर था और यहाँ पे सोफे पे वो बैठ गई। तो वो मैंने कहा गुरुजी अब मेरे साथ ऐसे मत करना, मैं पहले बहुत दुखी हूँ, मेरे पास कोई ऐसी आ गई है, अब क्या करूँ, उसको माता आ रही है, कुछ ना कुछ करना दे, मेरा दुकान का काम घर का कैसे करूंगी अकेली, मैं रोती रही, मेरे मन में इतनी हुई बहुत ज्यादा। फिर वो लेडीज कहती मेरे को ना पानी दे दे। तो ये कहते चल मैं देता हूँ, मैं चाय बना देता हूँ तुम्हारे लिए। कहते नहीं मेरे को ना जल ला दे, दोबारा बोली। तो जल ले लिया, जल पी के ना ऐसे बस मुंह ही लगाया तो मंत्र पढ़ के जैसे उबासियां लेती रही करती रही, एकदम काउंटर पे रख के चली गई लेडी भाग। कहते ये छिट्टे मार दो और नजारे नजारे देखो, ये बोल के मेरे को चली गई। मैंने कहा दीदी चाय पी लो, चाय पी लो। कहती नहीं माता चुन्नी और नारियल भी चढ़ा देना और छिट्टे मार देना। तो फिर मैं रोती रही, मैं कह मैं नहीं करती, मैं तो बैठ गई मंदिर में चली गई गुरुजी के पास। मैं कह गुरुजी मैं क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं, मन नहीं मान रहा। ये कहते ना मैं नहीं करता। फिर मेरे को कहते किरण क्या करूं क्या करूं, मैं क्या गुरुजी के पास बैठती हूँ, मेरे को गुरुजी राय देंगे। फिर मेरे को गुरुजी ने देखा, गुरुजी ही दिखे, असल में मेरे को गुरुजी दिख गए अंदर।
गुरु जी कहते मैं तेरे पास आया हूँ, तू मेरा इतना वो कर रही है, तू जल्दी कर ले जितना हो सकता ना, कर दे छिट्टे मार दे। तो मैंने इनको कहा मैं नहीं छिट्टे मारती, मेरा मन नहीं मानता, मैं गुरु जी को याद करती रही, इन्होंने छिट्टे मार दिए, सारे घर में छिट्टे लगाए, तो खुद को छिट्टे मारे, तो छिट्टे लगाए ना तो ये ऐसे घूमने लग गए, घूमते ना ये ऐसे बैठ गए। मैंने कहा क्या हो गया, जय गुरु जी जय गुरु जी, गुरु जी कृपा करो कुछ ना हो जाए, मैं रो रही ऐसी करी जाऊं, गुरु जी कहते नहीं कुछ नहीं होगा बेटा कुछ नहीं होगा, मेरे को दिलासा भी देते रहे, मैं चुप रही, मैं रोई भी नहीं इनके सामने, मैं रोऊंगी तो मेरे को कहेंगे क्यों रो रही है, क्यों? मैं रोई नहीं, मैं ऐसे करती रही गुरु जी जय गुरु जी करो कृपा। तो एकदम से ना मेरे को ना गुरु जी का जल्दी हुआ इन्होंने, तो मेरे को बोतल आ गई एकदम से मेरे पास, यहाँ पे रखी हुई थी गुरु जी के पास और काउंटर पे आ गई मेरे पास, तो वो जल लिया इनके ऊपर ऐसे मैंने फेंका, छिट्टे लगाए, एकदम से खोली, मेरे को कहते ये वाली लाइट जल रही है, ये वाली लाइट जल रही है, मैं कहा हाँ जल रही है, मैं कहा लाइटें दिखने लगी, कहते हाँ लाइटें दिखने लगी, किरण मेरे को दिखने लग गया, किरण दिखने लग गया। तो मैं गुरु जी का इतना शुक्राना करू ना, उतना ही कम, रो 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 के बहुत ज्यादा, बहुत ब्लेसिंग दी है गुरु जी ने मेरे को, बहुत ब्लेसिंग दी है, बहुत रोटी में दर्शन देके गए मेरे को, पानी में दूध में जितना मैंने देखा गुरु जी को, बहुत दिखे मेरे को, मैंने आज तक किसी को ऐसे नहीं किया, 11 साल हो गए। लड्डू गोपाल को मैं भी मानती हूँ, लड्डू गोपाल है मेरे पास, एक छोटा लड्डू गोपाल है, पहले पानीपत से लाई हूँ, पानीपत से आई हूँ, मेरी मेरी पानीपत हुई, मैं ऐसे रतिया की हूँ, पानीपत से मैं इनको लेके आई हूँ, इनके भाई है ना लड़ते रहते थे, तो मेरे मम्मी पापा ऐसे थे, हम तो शरीफ करके थे, बिल्कुल ही देख नहीं सकते थे, तो फिर मेरे पापा जी मेरे को ले आए थे रतिया में, तो रतिया में अच्छा काम था, इन्होंने जितना हमारे साथ हुआ है ना, बल्दों ने मारा है इनको, इतना एक्सीडेंट हुए हैं, इतने बहुत ज्यादा मर मर के बच्चे हैं ना ये, अब लास्ट बारी था, ये दूसरा जीवन मिला है ना हमारे को, बहुत गुरु जी का जीवन मिला, गुरु जी का जीवन वो सब, तो जय गुरु जी। तो देखो गुरु जी महाराज की यही लीला है, हम कहते हैं ना डॉक्टर जब डॉक्टरों के पास इलाज दिया तो हमारे मैंने डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मैं ये कहते मैंने नहीं जाना डॉक्टर के पास, मैंने नहीं जाना, मैंने दीदी को कहा दीदी क्या करूं, ये मानते नहीं डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर ये कैसे करूं, दीदी कहते नहीं डॉक्टर के पास एक बार आप चले जाओ राय तो ले लो, डॉक्टरों ने क्या कहा, डॉक्टर कहते अब तो मेरी समझ से बाहर है आप दिल्ली चले जाओ। मैंने कहा गुरु जी मैं तो आते ही ना सीधा मैंने दीदी को फोन किया, दीदी कहती है मेरे को फतेहाबाद बस मेरे पास इधर ही, गुरु जी का शुक्राना करती रहा, मैं घर गई, मैंने कहा ना मेरे पास पैसा है ना मेरे पास बंदा है, मैं कुछ नहीं कर सकती, अकेली थी मैं कुछ नहीं, मैंने गुरु जी के ऊपर छोड़ा, मैंने कहा गुरु जी जो करना है आपने करना है। 4 महीने हो गए मैं देखती रही गुरु जी को, फिर मेरे को हफ्ते बाद नवरात्रे आए, नवरात्रों में मेरे पास एक आदमी आया, मेरे को वो कहते नैना देवी चल रातों रात, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, तो सुबह सुबह मेरी दीदी की सास की डेथ हो गई थी, मैं वहां चली गई, तो मैं वहां गई तो मतलब संस्कार हो रहा था, वही जेंट का मेरे पास फोन आ गया, इनको कहते नैना देवी चलना है 3 बजे पहुंचना है, चलना है यहाँ से रतिया से, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाती, मेरे पास फोन पे फोन आते रहे, मैंने कहा मेरा मन नहीं मानता, मैंने दीदी को फोन किया, मैं कहा पहले मैं गुरु जी से आज्ञा लूंगी तो जाऊंगी नैना देवी, तो फिर गुरु जी से आज्ञा लेके मैं नैना देवी गई, तो पता नहीं कौन से रूप में आए हैं, वो भी वहां भी ले गए हैं नैन की, वहां पे भी पंडितों ने बिठा के रखा, वहां पे किसी को बिठाते नहीं, भगा देते हैं, दर्शन भी नहीं देने देखने देखते, बिल्कुल अच्छे दर्शन नहीं होते इनको, 20 मिनट बिठाया है पंडित ने, और घी भी दिया है सब कुछ दिया है, मैंने गुरु जी का नाम लेके गई, मैं गुरु जी जो कृपा दिखानी है आप दिखा दो मेरे को, तो वो भी घी लगाते रहे हैं, वो भी करते रहे हैं, जैसे गुरु जी ने जैसे भी किया वैसे ही हम करते रहे, और परसों मेरे को कहा नैना देवी चलना है नए साल पे तो चल पड़ना, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाती मेरा मन नहीं मानता, तो मैं कहा जब तक ठीक ही नहीं होया मैं नहीं जाती, तो एकदम से बस पता नहीं कल जैसे ही रूप धार के गुरु जी ने भेजा है ना वो लेडी तो मेरे को वो भी नहीं मिल रहे मेरे को दिख जाए ना, मैं कहा तेरा भी शुक्र गुजार हूँ गुरु जी का भी, वो करती मेरी दीदी को कहा, मैं कहा दीदी अब दीदी ने मेरे को कहा था जनवरी में सत्संग करेंगे तेरे घर, मैंने कहा मेरे अच्छे ठीक हो जाएंगे ना खुद संभाल लाए मैं तो करवाऊंगी कुछ, मेरा बेटा भी नहीं चल सकता, मेरा बेटा भी अब ठीक हुआ है अब चलने लगा थोड़ा सा, अब भी पैर में दर्द है पैर में चलता है बहुत मुश्किल से चलता है, तो कहता है जब ठीक हो ना पापा जी अपना मकान भी बनेगा और आप भी ठीक हो गए ना अपना मकान भी बन देगा, एकदम से बोला जब जो ठीक हुए हैं, कहते बेटा मेरे को दिखने लग गया वो देखो आप ठीक हो गए गुरु जी ने मकान भी बना दिया अपना, ऐसे बोला, मैंने कहा गुरु जी आ गए, गुरु जी बोल रहे हैं मेरा मकान भी बनेगा सब कुछ, मैं रेंट पे रह रही हूँ
बहुत 11 सालों से बहुत ज्यादा वो हो रही थी, बहुत ज्यादा, जब से गुरुजी को पकड़े मैंने 4 साल से, तो गुरुजी ने ही मेरा बल्ला संभाल लिया है, बल्ला संभाल लिया है। गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है, बहुत सारी रात नहीं सोई, परसों भी सारी रात करी, गुरुजी तो और इससे बड़ी क्या वो होगी। देखो आंखें वापिस आ गई, गम में नहीं सोए, कल खुशी में नहीं सोए, पहले कितने टाइम से गम चल रहा था, आंखों से दिखता नहीं, दिखता नहीं। और देखो मैं किसी में एक सत्संग हो रहा है मेरा इसी में, नेहा संगत के घर वो जगजीवनपुरा में है ना, जो उनके घर सत्संग था ना, चौधरी नेहा चौधरी के घर, तो रूपम तो शानू दोनों उधर बाहर लेके वहां सजा रहे थे, उधर सत्संग चल रहा था, यहाँ पे एक संगत आई। अब मैं उस संगत को दोबारा, वो आई भी नहीं, मुझे नहीं पता कौन है वो कौन नहीं, तो आई कहती मैं तो ना बहुत दुखी हूँ, और मैं ना ऐसे अपने बच्चों के लिए बड़ी परेशान हूँ, ऐसे बहुत परेशान। मैं कहा मेरे गुरुजी महाराज ना ऐसे हैं, इनका तो अगर किसी ने लट पकड़ लिया ना, छोड़ो ना आप इसको, इनको अलग मत समझना। लेकिन मैं आपको एक बार बता रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि इन अंकल की आंखें वापिस आएंगी या नहीं आएंगी, मुझे नहीं पता था, मैं सच्चाई बता रही हूँ। और उनको मैं क्या बता रही हूँ, मेरे मुंह से गुरु महाराज किसी इतनी आती है, सब ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन मैं इनका सत्संग क्या उसको सुना रही हूँ और मुझे कुछ नहीं पता। बैठी मैं कह रही, मैं कहा मेरे गुरु महाराज ना ऐसे हैं कि इनका तो ये कैंसर तक ठीक कर देते हैं। एक इंदु आंटी रतिया से आती है, उनके हस्बैंड की ना आंखें चली गई और वो यहाँ बैठे बैठे ना उनको ना थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया, और अब उनकी आंखें ना वापिस आ गई। मैं 8 दिन पहले उस संगत को ये वाला सत्संग सुना रही हूँ और उस टाइम पे इनकी आंखें वापस नहीं आएगी, थोड़ा थोड़ा दिखता दिखने लग गया था। बस मुझे ये लग रहा था कि मेरे गुरु महाराज इनकी रोशनी देंगे, और देखो अभी 8 दिन भी नहीं पड़े और गुरु महाराज ने असली देखो बिल्कुल सच्चाई आगे रख दी कि ले तू सत्संग सुना रही थी, ले तेरी इनकी आंखें वापिस आ गई। और मैं कल जब मैं ऊपर बैठी थी पार्लर में थी, तो जब इनके फोन आ रहे, और बस मेरे तो खुद ही अंदर में कहा है गुरु महाराज आज आपने इतना बड़ा चमत्कार कर, इतना बड़ा करिश्मा कर दिया ना, आंखें वापिस देकर उनकी, अब उसका घर भी बन जाएगा। और उस वो इतना रोती है सारा दिन, गुरुजी करती है, अब उसको सब कुछ ठीक है। फिर मैं इनके बार यही हुई बात, मैं कहा देख सत्संग जनवरी में बोला था ना तेरे घर होगा, अब जनवरी में होगा, अब होगा। मैं कहा देख मैंने वो पहले भी कह दिया था, मेरी आंखें ठीक नहीं थी, मैंने वो कह दिया था, मैं कहा तू सत्संग करा अपने ठीक हो जाना, जो तो होना मैं था। और पहले दिन ये अंदर नहीं आए थे अंकल, बिल्कुल अंदर नहीं आए थे, गाड़ी में बैठे हुए थे। कविता ने बोला बल्कि कि कविता जल दे के आई, मैं तो नहीं थी, लेकिन वो कहती नहीं आप रो रहे हो ना इतना, गुरु महाराज देखना उसको भी ठीक करेंगे, ऐसे वो जल लेकर बाहर गाड़ी में देकर आई है। दूसरी बार तो ये यहाँ के खुद ही बैठ गए थे, तो विश्वास ये भी तो देखना, जितना शुकराना करो उतना थोड़ा है, हर श्वास में शुकराना करो, बहुत बहुत शुकराना, बस शुकराना करो महाराज, जितना करे उतना कम है। जय गुरु जी। सितंबर में हमारे घर से संग हुआ था, तो मेरी ननद आई हुई थी, मेरी ननद के ऊपर